हेलो दोस्तों, एके ऑल एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको प्रेशर और इनकी टर्म के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। हाइड्रोलिक में प्रेशर की टर्म जो हैं वो चार टाइप की होती हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गेज प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर एंड एब्सोल्यूट प्रेशर। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रेशर की। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर इज़ रेशियो ऑफ फोर्स अपॉन एरिया। मतलब कि किसी भी एरिया पे जितना हमारा फोर्स लग रहा है वो फोर्स उस एरिया पर उसका प्रेशर होगा। तो हमारी धरती पर बहुत सारे प्रेशर लगे होते हैं। जैसे धरती पे हमारा जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो हम ग्रेविटी की वजह से ही धरती पर स्टेबल रहते हैं। कोई भी चीज़ ऊपर से अगर नीचे गिरती है वो ग्रेविटी की वजह से गिरती है, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। बहुत सारे फोर्स हैं धरती पर। तो सबसे पहले बात करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो प्रेशर एयर के द्वारा लगता है अर्थ पे, प्रेशर एग्जर्टेड बाय एयर ऑन द अर्थ, और इसको हम बैरोमीटर से मेज़र कर सकते हैं। अर्थ पे बहुत सारे प्रेशर लगते हैं, जैसे एयर जो है, एयर में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट करते हैं, तो अट्रैक्शन उसका जो है वो उसका प्रेशर हो जाता है। तो उस प्रेशर को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। अब बात करते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर की। एब्सोल्यूट प्रेशर जो है, प्रेशर इज मेजर फ्रॉम द रेफरेंस जीरो लाइन, ऑल वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट प्रेशर इज पॉजिटिव। एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है? इस प्रेशर को हम एक जीरो लाइन, रेफरेंस लाइन कोई मेज़र कर लेते हैं, उस जीरो लाइन से मेज़र करते हैं, और ये जो प्रेशर हमेशा जो है वो अबाव ही मेज़र होता है। फॉर एग्जांपल जैसे सी लेवल हो गया, सी लेवल को हम मेज़र कर लेते हैं एक रेफरेंस एज जीरो लाइन, और इसको अपवर्ड में ही मेज़र करते हैं, इस वजह से इसको हम पॉजिटिव प्रेशर बोलते हैं। तो एब्सोल्यूट प्रेशर हमेशा जो है वो पॉजिटिव प्रेशर होता है। नेक्स्ट हमारे पास है गेज प्रेशर। गेज प्रेशर क्या होता है? प्रेशर विच इज मेजर अबाउ द एटमोस्फेरिक प्रेशर लाइक लाइन टेकन एज डेटम लाइन, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड पॉजिटिव प्रेशर। गेज प्रेशर क्या चीज़ है? गेज प्रेशर हम कोई भी एटमोस्फेरिक प्रेशर जो लाइन है, एटमोस्फेरिक प्रेशर लाइन के ऊपर का किसी भी पोजीशन पे अगर हम मेजरमेंट करते हैं प्रेशर की, तो उस प्रेशर को हम गेज प्रेशर बोलते हैं, और उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन को हम डेटम लाइन अज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं डेटम लाइन कि हमारी वो बिल्कुल डेटम लाइन है। तो उस डेटम लाइन से ऊपर का जो प्रेशर होगा वो गेज प्रेशर होगा, और इस प्रेशर को हम पॉजिटिव प्रेशर बोलते हैं। पॉजिटिव क्यों? क्योंकि वो अपर डायरेक्शन में होता है, इस वजह से। नेक्स्ट हमारे पास है वैक्यूम प्रेशर। इट इज़ मेजर ऑलवेज बिलो द एटमोस्फेरिक प्रेशर लाइन, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड नेगेटिव प्रेशर। वैक्यूम प्रेशर जो होता है वो एटमोस्फेरिक प्रेशर लाइन के नीचे का प्रेशर होता है, बॉटम साइड का। बॉटम साइड का जितना भी किसी भी पोजिशन पे अगर मेजरमेंट करेंगे वो हम वैक्यूम प्रेशर के द्वारा ही करेंगे, और इस प्रेशर को हम नेगेटिव प्रेशर भी बोलते हैं। तो हम डायग्राम में देखते हैं, डायग्राम दो एक्सिस पे हमारा बना हुआ है, एक प्रेशर और दूसरा जीरो प्रेशर लाइन। ये जीरो प्रेशर लाइन जो है वो एब्सोल्यूट प्रेशर लाइन इसको हम बोल सकते हैं। तो इसमें एक दो लाइनें होंगी, एक तो जीरो प्रेशर लाइन और दूसरी हमारे पास में एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन से ऊपर का किसी भी पोजीशन पर, मैं यहाँ से यहाँ तक की पोजीशन मैंने मान लेता हूँ, फॉर एग्जांपल ये कोई पी पोजीशन है, तो पी पोजीशन पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर का जितना भी प्रेशर है वो गेज प्रेशर है, और इसे हम पॉजिटिव प्रेशर बोलते हैं। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे का कोई भी अपना क्यू पॉइंट हो गया, ये इस क्यू पॉइंट को क्यू पॉइंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले से क्यू पॉइंट तक का जितना भी प्रेशर है वो वैक्यूम प्रेशर है, और इसको हम नेगेटिव प्रेशर भी बोलते हैं। अब बात करते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर की। तो एब्सोल्यूट प्रेशर जो है वो दोनों पे डिफरेंट डिफरेंट होगा। जैसे जीरो लाइन से कोई भी मैक्सिमम ए, यहाँ पे पी माना था, यहाँ पे हमने क्यू मान लिया था, तो इस पी
पी पॉइंट तक ये जो लाइन है मैक्सिमम, यहाँ से जीरो लाइन से लेके पी पॉइंट तक का जितना भी प्रेशर होगा अबाउ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अबाउ एब्सोल्यूट प्रेशर अबाउ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर हो गया। और बात करते हैं इस एब्सोल्यूट प्रेशर की जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बिलो है, एब्सोल्यूट प्रेशर बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो इन इसको भी हम एब्सोल्यूट प्रेशर बोल रहे हैं और इसको भी एब्सोल्यूट प्रेशर बोल रहे हैं। बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अबाव वाला एब्सोल्यूट प्रेशर है और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बिलो वाला एब्सोल्यूट प्रेशर है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।